राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आठवां दिन आज सवाईमाधोपुर के कुश्तला में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया, कहा आज देश में युवा किसान सब परेशान है। राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की योजनाओं को गिनवाया, राहुल गांधी ने पूछा कि किसानों के खून पसीने की कमाई का पैसा कहाँ है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूट गए हैं, नोटबंदी को देश नहीं भूल सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, यात्रा में आज महिला सशक्तिकरण पर फोकस, प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी मिराया भी यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा कल जीनापुर से होगी रवाना, जो दहलोत तक का सफर तय करेगी और दहलोत में फिर रात्रि विश्राम रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर यातायात पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19-20 दिसंबर को अलवर जिले में रहेगी, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। मालाखेड़ा में होने वाले राज्य स्तरीय सभा के लिए कैबिनेट मंत्री टीका राम जूली भीड़ जुटाने में लगे हैं। सतीश पुनिया ने राहुल से अपना आठवां सवाल पूछा, कहा कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र भाषणों में सस्ती बिजली का जिक्र किया था, 2.5 लाख किसानों का बिजली कनेक्शन बकाया पड़ा है, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 35,000 करोड़ का भार डाल दिया है। जोधपुर के फलौदी में विधानसभा में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का अंतिम पड़ाव, यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा द्वारा निकाली जा रही भाजपा जन आक्रोश यात्रा लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के दसनाव गांव पहुंची, इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नागौर के रियावंड उपखंड के थावला कस्बे समेत आसपास के गांव में भाजपा का जन आक्रोश रथ पहुंच रहा है, जहां आम सभाओं का आयोजन किया गया है। भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व में झाड़ली से रवाना होकर अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में पहुंची। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान, विश्वेंद्र सिंह बोले आरएलडी से गठबंधन से नहीं होगा कांग्रेस को कोई नुकसान, वर्तमान में आरएलडी कोटे से सरकार में एक राज्य मंत्री है डॉक्टर सुभाषकर। कोटा के कुनहाड़ी थाना इलाके के लैंडमार्क सिटी में एक कोचिंग छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, कोचिंग छात्र प्रणव एमपी के शिवपुरी का रहने वाला था और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। झुंझुनू के बगड़ पुलिस ने वड़ाना गांव में नकब जेनी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के वड़ा गांव में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, घटना के वक्त युवक पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी। अजमेर के मांगली आवास थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अजमेर पुलिस ने नाबालिग बालिका को दस्तायाब किया। न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट कर्मचारी के जलने से हुई मौत के मामले में भाकरोटा थाना पुलिस ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चालाना के खिलाफ हत्या, बंधक बनाना और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजसमंद के नाम द्वारा कटवा गांव में चोरों ने एक बार फिर से पनिया बाजी मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर का दान पत्र तोड़कर चोर लाखों रुपए की नकदी ले गए और 1 महीने पहले भी चोरों ने इसी मंदिर को अपना निशाना बनाया था। झुंझुनू के चुड़ावा पुलिस ने जुलाई माह में बावनवास में हुई फायरिंग और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की वारदात में कार्रवाई को करते हुए मामले में फरार चल रहे 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सलम्बर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, दिन दहाड़े दुकान के गले से 43,000 रुपए की नकदी पार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बगरू थाना इलाके में थाना क्षेत्र फतेहपुरा और रामसिंहपुरा में 2 जगहों पर चोरों ने चोरी की और सरस दुग्ध संकलन केंद्रों को निशाना बनाया। अजमेर के माकड़ियावाली गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों को जेलन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लोसल में RDS, NGO और पालिका प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में धोद रोड पर 24 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग 107 कट्टे पकड़े गए। अनुगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, दुष्कर्म का प्रयास करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने तनाव के चलते किया सुसाइड, बॉयज हॉस्टल में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, मृतक अलवर के बांसुर के रामपुर गांव का रहने वाला था।
सवाईमाधोपुर के खंडार उखंड मुख्यालय पर पति ने अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों के शक में धारदार कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। जयपुर के न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर जिला न्यायालय धौलपुर के सामने 13वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के होरादा गांव में महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में 1.25 लाख रुपए का मोहताना तय होने के बाद पीहर पक्ष पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। 2 महीने से गायब भिवाणी से 15 वर्षीय श्रुति के परिजन बैठे मनसा चौक पर धरने पर भिवाणी पुलिस मुर्दाबाद किनारे लगाए। थानाधिकारी ने लोगों को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। बांसवाड़ा के नेशनल हाईवे 927 ए स्थित परतापुर कस्बे में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। उत्साहित लोगों का कहना है कि सीसी सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। शंभूपुरा की अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्यपुरम यूनिट से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी की। कोटपुतली में विकास प्रजापत की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज परिजन और सर समाज ने आज कोटपुतली थाने का घेराव कर दिया। उदयपुर में कोर्ट के कर्मचारी की मौत की निष्पक्ष जांच को लेकर हड़ताल पर उतरे सेशन कोटे के कर्मचारी हड़ताल पर आज भी उन्होंने हड़ताल जारी रखी। सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर ब्यावर में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल 3वें दिन भी जारी रही। चित्तौड़गढ़ में जयपुर क्षेत्र के न्यायालय सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्याय कर्मचारियों को आंदोलन जारी रहा। झालावाड़ के भवानी मंडी डग मार्ग पर जा रही एक निजी यात्री बस को सामने से आ रहे ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जमवारा मगड़ में तेज रफ्तार लोडिंग जीप ने बरपाया कहर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल हो गए। सरमथरा के बीच हाईवे पर आंगई गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को वाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ब्यावर में ग्राम पंचायत ठिकराना मेंद्रातान के निवासियों ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुश्तैनी आवासीय जमीन से बेदखल करने की धमकी देने और तंग परेशान करने का आरोप लगाया है। अकोला कस्बे में सरकारी समिति में यूरिया खाद आने की सूचना पर सुबह से ही कष्टकारों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोटा के चिकित्सा विभाग ने एक ऐसे मोबाइल वैन तैयार की जो पूरी तरह से क्वालिटी टेस्ट संसाधनों से सुसज्जित है और पल में मिल टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल सकती है। भीलवाड़ा की आसिंध विधानसभा क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा के निर्देशन में समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वीर तेजा नव सृजन संस्थान बाड़मेर का मासिक सम्मेलन जिला मुख्यालय स्थित हरदयालु कौशल महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित हुआ। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में डी जुआना और आसपास के कुछ युवा राजस्थानी संस्कृति का रंग बिखेर रहे हैं। उद्योग विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से राजस्थान हाट में चल रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल छप्पन भोग उत्सव 2022 को बेहतर रिस्पांस मिला है। आयोजन का आज अंतिम दिन है। जयपुर के जाने माने चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता ने शहीद अंबालाल जाट के परिजनों को शहीद का तेल चित्र भेंट किया। टोंक निवासी अंबालाल हाल ही में आसाराम की 9 गांव में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। उत्तर पश्चिम रेलवे में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में उत्तर पश्चिम रेलवे पर विभिन्न खेलों में 21 खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। रेलवे के खिलाड़ी हर स्तर पर लगातार जीत के पदक ले रहे हैं। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर के छात्रों ने राज्य स्तर पर परचम फहराया और पदक जीते। सीकर के तालसर गांव में विधायक कोष से निर्मित 2 कक्ष का लोकार्पण किया गया। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला लोकार्पण के लिए पहुंचे फतेहपुर। विधायक हाकम अली का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत सम्मान किया गया।
जालौर जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामानिया ने वर्चुअल रूप से और जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर ने सर्किट हाउस में फीता काटकर लोकार्पण किया। कोटपुतली के रतन कुमार ने दोनों पैरों से दिव्यांग होते हुए भी स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया था। छात्र अधिकार विशाल पद यात्रा 28 दिसंबर को नीमका थाना से होकर आगाज होगा। साफ सुथरे मांगों को लेकर नीमका थाना से जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए करेंगे कूच। जोधपुर डिस्कॉम बिलाड़ा के सहायक अभियंता पर कर्मचारियों से रुपए मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। सामूहिक सगाई समारोह में राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक सुरेश मोदी ने शिरकत की। सामूहिक विवाह में दो बेटियों का कन्यादान के रूप में समिति को 1,02,000 का चेक भी भेंट किया। फनौता थाना क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। अपनी ही स्कूल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर करता था दुष्कर्म। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत विधायक जगदीश जांगिड़ ने विजेताओं को पुरस्कार के चेक वितरित किए। पहले विजेता को 25,000 रूपए और दूसरे विजेता को 15,000 रूपए का चेक वितरित किया गया। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज सभागार में संभाग स्तर का साइबर क्राइम के विषय पर बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में विरासत दिवस उत्सव का प्रभात फेरी से शुभारंभ किया गया। स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रामकृष्ण मिशन परिसर से कस्बे के लिए रवाना किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनवीयू के छात्र संघ कार्यालय का आज विधि विधान से उद्घाटन हुआ। जन आक्रोश रथ यात्रा कल अनुगढ़ मंडल क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ऐसे में जन आक्रोश रथ यात्रा के स्वागत को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई। सर्वार्थ सिद्धि योग समेत अन्य योग संयोगों में जयपुर के गणेश मंदिरों में सोम पुष्प नक्षत्र पर प्रथम पूज्य का पंचामृत अभिषेक किया गया। मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें झालावाड़ से भी हजारों किसान शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में सहकारी समिति के गोदाम के बाहर काफी संख्या में किसान महिलाएं लाइनों में लगकर पुलिस जाब्ते के बीच यूरिया खाद लेने के लिए मजबूर हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना इलाके के जोरावर नगर में आज समारोह पूर्वक प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। आम आदमी पार्टी के केसरी सिंहपुर के गांव दोवी एवं गांव 7S कीकरवाली में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। कोटा जिले की रामगंज मंडी में गीता जयंती के अवसर पर विराट शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा गोर्धनपुरा माताजी मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। 11वीं परमहंस बावलिया बाबा दिव्य संदेश यात्रा गाजी बाजी के साथ हुई चुड़ावा से रवाना। 4 राज्यों से होकर गुजरेगी दिव्य संदेश यात्रा। श्रीगंगानगर में 13 दिसंबर को लेकर 16 दिसंबर तक सेठ गोपी राम बगीची सुखाड़िया सर्किल में आरोग्य मेले को लेकर तैयारियों पूर्ण रूप से की जा रही है। नवलगढ़ में 15 नवंबर को वाल्मीकि समाज के युवक विशाल की सीकर से लौटते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल SP मृदुल कछावा से मिला। चित्तौड़गढ़ में आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर अनिल सुखवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भी आपके विधायकों से डरी हुई है। बुलेटिन में वक्तों के एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देखते हैं जी राजस्थान।
ब्रेक के बाद राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। एक पहल फाउंडेशन मुकेश चौहान के मार्गदर्शन में लायंस क्लब यूनिक ब्यावर की ओर से स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ के जिला आयुर्वेदिक औषधालय में आयुर्वेद विभाग द्वारा पुष्प नक्षत्र के मौके पर 16 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्रशासन ड्रॉप पिलाई गई। निम्बाहेड़ा के उदयपुर रोड के प्रगतिशील धाकड़ समाज ट्रस्ट के मुख्य द्वार के लिए डला चरलिया कमेटी द्वारा 3 लाख की सहयोग राशि देने की घोषणा की है। अमृत भारत रथ यात्रा का देशनोका पहुंचने पर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह डड़ावत की ओर से बस्सी ग्राम पंचायत के नवीन कन्या महाविद्यालय में 135 छात्राओं को 2-2 यूनिफॉर्म वितरित की गई। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि विश्राम सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के दहलोद मोड़ पर होगा। तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री जड़ावत के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ से 50 कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का 15 कारों का काफिला सवाईमाधोपुर के लिए रवाना हुआ। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा पंचवटी में बनाई जा रही हनुमान वाटिका का सभापति संदीप शर्मा ने तकनीकी अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी के हिंडौली नैनवा मार्ग पर अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करते हुए एक ट्रक को नाकेबंदी के दौरान जब्त किया गया। नैनवा के बाछौला पंचायत के भैंसों के नया गांव में शमशान में जाने का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण दाह संस्कार के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अलवर में भाजपा पार्षद ने अपने वार्ड में कूड़ा इकट्ठा कर नगर परिषद गेट पर लाकर पटका। सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षद ने गेट पर बैठकर धरना भी दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतने। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।